मौसम का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते कई जगहों से आपदा जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कई जगहों से मकान गिरने की भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हल्द्वानी शहर के बीचों बीच कई ऐसे जज्जर भवन हैं जो बरसात के समय मौत बनकर खड़े हैं। लगातार हो रही बरसात से दशकों पुराने ये भवन कभी भी गिर सकते हैं। हल्द्वानी शहर के अलावा पहाड़ी क्षेत्र में भी कई ऐसे मकान हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, जो कभी भी ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो सकते हैं। तो वहीं इस मामले में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि जर्जर भवनों को चिन्हित कर खाली कराया जा रहा है। कुछ भवन ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र में हैं, जो कि जर्जर हो चुके हैं या रहने योग्य नहीं है, उन सबको डीएम से कहा गया कि उनको चिन्हित कर लें और नोटिस भी जरूर दें, क्योंकि अगर कोई खतरे वाली जगह में दे रहा है तो उसको कानूनी रूप से बताना भी आवश्यक है। और कहीं पे अगर ऐसा लगता है कि ये गिर ही जाएगा तो उनको सरकारी बिल्डिंग में, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो या किसी अन्य विभाग की, वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि ऐसा जब भी होगा तो जिनको भी हम इस तरह से सेफ्टी जगह पे रेस्क्यू कर रहे हैं तो खाने पीने की धनराशि उसमें प्रशासन व्यय करे। सिमिलरली अगर कोई बाढ़ में फंस जाता है या तेज़ बारिश में फंस जाता है तो उनको भी खाना पीना हो, फूड पैकेट्स हो, प्रशासन की ओर से देने के निर्देश सभी डीएम्स को दिए। कुमाऊं मंडल में अब तक बारिश और आपदा से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने का काम लगातार जारी है। देखिए, आपदा में 62 जो हमारी सड़कें आज सुबह बंद थी कुमाऊं मंडल में, और नॉर्मली फिगर 50-60 के आसपास रहती है, तो उसको हम ये नहीं मानते हैं कि ये एक तरीके से 100% बंद हो गई हैं। खुलती हैं, बंद भी होती हैं, और इसमें हमारी ग्रामीण सड़कें हैं जो, वो उनकी संख्या 50 से ऊपर है। बाकी कल नेशनल हाईवे हमारा जो क्वारब के पास बंद हुआ था उसको कल खोल दिया गया था, लेकिन क्योंकि लगातार चट्टान वहाँ पे आ रही हैं और पत्थर गिर रहे थे, इसलिए एहतियातन रात के वक्त उस पर रोका गया था आवाजाही को, कि वो दिक्कत ना हो। लेकिन बाकी स्थिति सामान्य है। जो अभी तक डेथ्स हुई हैं जनपद में, सॉरी मंडल में, पूर्व में 5 डेथ्स हुई हैं, उसमें मुआवजे जो देने थे वो मिले। कुमाऊं में बारिश से अभी भी 62 सड़कें बंद हैं, जिनमें 50 से अधिक ग्रामीण सड़कें हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अभी भी 275 सड़कें बंद हैं। भारी बारिश के बाद बंद हुई सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।